तुम्हारा एटीट्यूड और आंसू सिर्फ लड़कियों के चक्कर में क्यों निकलता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। सर पहले तो वो हमसे बात करती थी, आजकल नहीं करती है, तो दिल होता है ऐसा, होता है ऐसा। जब आप इस उम्र में होते हैं ना, तो आपको या तो अपनी एज में से ही कोई जनरली वो टॉपर होता है, या फिर उसके पास कुछ एक ऐसी चीज होती है, अच्छी चीज होती है जो आपके पास नहीं है, तो हम उससे बाय डिफॉल्ट अट्रैक्टेड होते हैं। अरे भाई तू बता दे, अरे भाई भाई तू बता ना भाई, उसको फालतू में भाई भाई बोल के नेता बना रखा है, और वो कुछ नहीं तुम्हारे मजे लेके वो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहेगा, और एक दिन वो बॉन्ड टूटने वाला है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। और या फिर अब अपने से उम्र कोई भैया है, कोई और कोई दीदी है, उसमें मतलब उनके शब्द तो ऐसे समझो कि भगवान श्री राम है, या फिर मतलब इतनी तो हम अपने माँ बाप की नहीं मानते जितनी उनकी मान लेते, ये तुम्हारी उम्र का, समझ में। तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, खुद कीजिए सारा काम, हेल्प लेना अच्छी बात है, बट हाँ भाई तू क्या कर रहा है, भाई भाई तुझसे बात करनी है, भाई क्या करेगा बात करके, वो तुझसे करता है क्या बात, समझ में। तुम्हारा एटीट्यूड और आंसू सिर्फ लड़कियों के चक्कर में क्यों निकलता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। सर पहले तो वो हमसे बात करती थी, आजकल नहीं करती है, तो दिल टूट गया। ये सेम लड़कों के साथ भी है, अभी जो तेरा दोस्त बना हुआ वो दो तीन साल बाद में नहीं रहेगा, सच है ये। जब चाहो तब बुला लिया करो हमें, क्योंकि हम इतना करीब है तुमसे जितना दिल होता है धड़कन।